हेलो एवरीवन वेलकम टू सी आई जेड प्लस मैं हूं अक्षय राज अग्रवाल और मैं लेकर आया हूं एक टेक्निकल सेशन हरियाणा एच पी के लिए आप स्क्रीन पर अभी तक देख चुके होंगे कि इसमें मैं बात करूंगा इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो पूछे हैं पर्टिकुलरली एस के एग्जाम में सो so हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए क्योंकि हम सब जानते हैं ट्वेंटी अगस्त को स्टेज वन है प्रिलिम्स है किसका एचपीएससी जो 85 फाइव पोस्ट निकाली है एचपीएससी ने एच की डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट में तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं आई होप आप अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर चुके होंगे और सी पर आप हमारा स्मैश पैक ले सकते हैं जो कि बहुत नॉमिनल कॉस्ट पर अवेलेबल है आप हमारा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं एच डी जिसमें आपको स्ट्रीमलाइन वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जो कि लास्ट मिनट रिविजन के लिए जैसे अब एग्जाम में बहुत कम टाइम रह गया है उसकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल वीडियोज हैं डेफिनेटली आपको बहुत मदद होगी इसमें टेस्ट सीरीज वर्क बुक कॉम्प्रीहेंसिव वीडियो लेक्चर सब कुछ अब आपको मिलेगा ये एक हंड्रेड परसेंट ऑल इन वन एसेंशियल पैक है इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर पेपर्स हरियाणा के डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो कि आपको अवेलेबल है सी आई जेड प्लस डॉट कॉम पर या फिर आप हमारी एंड्रॉयड ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका नाम है सीआई जेड प्लस एंड एक बहुत अच्छा ऑफर है आप सेट ऑफ स्टडी मटेरियल अपना ग्रैब कर लें जो कि पर्टिकुलरली एचपीएससी एच डी ओ एग्जाम के लिए इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं नाइन एट वन डबल फोर सेवन सिक्स ट्रिपल सेवन तो यहां पर आपको आपका कस्टमाइज स्टडी मटेरियल यानी कि वो स्टडी बुकलेट्स जो आपको चाहिए जरूरी नहीं है कि आपको सारा मटेरियल लेना है जो बुकलेट्स आपको रिक्वायर्ड हैं वही आप ले सकते हैं तो आप इस नंबर पर फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए हमें कॉल कर सकते हैं थैंक यू सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन विदाउट एनी फर्दर डिले पहला क्वेश्चन एच डी ओ हरियाणा पीडब्ल्यू डी दो हजार तेरह में पूछा गया था हाउ मच क्वांटिटी ऑफ सी ए सी ओ थ्री यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट डिजोल्व इन वन लीटर ऑफ वाटर विल प्रोड्यूस वन डिग्री हार्डनेस सो वन डिग्री हार्डनेस कितनी क्वांटिटी ऑफ सी ए सी ओ थ्री प्रोड्यूस करेगा अगर उसको वन लीटर ऑफ वाटर में डिजोल्व किया जाए तो ये चार ऑप्शन हैं हमारे पास तो इसका आंसर देखते हैं ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि बहुत बार पूछा जाता है पेपर में पहली बात तो इसका मैं करेक्ट आंसर बता दूं इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 14.3 पॉइंट मिलीग्राम तो अब वो कैसे आया देखिए सबसे पहले हार्डनेस इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ हार्डनेस एज पर क्लॉर्क स्केल तो क्लार्क स्केल के अकॉर्डिंग हार्डनेस डिफाइन की जाती है हम सब जानते हैं हार्डनेस का मीनिंग क्या होता है नाउ एज पर क्लॉर्क वन ग्रेन ऑफ सी ए सीओ थ्री डिजॉल्व इन वन गैलन ऑफ वाटर विल प्रोड्यूस वन डिग्री ऑफ हार्डनेस ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है डिग्री ऑफ हार्डनेस का मतलब क्या होता है कि वन ग्रेन ऑफ सी थ्री जब वन गैलन ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर दिया जाता है तो वन डिग्री ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूस होती है अब वन ग्रेन का मतलब है एट मिलीग्राम एंड वन गैलन होता है फोर पॉइंट फाइव फोर सिक्स लीटर्स तो जब मैं सिक्सटी फोर पॉइंट एट डिवाइडेड बाय फोर पॉइंट फाइव फोर सिक्स लीटर्स करूंगा तो ये बन जाता है फोर्टीन पॉइंट टू फाइव मिलीग्राम पर लीटर तो इसलिए क्लोजेस्ट ऑप्शन था ऑप्शन ए फोर्टीन पॉइंट थ्री तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप ये याद कर लें क्योंकि मुझे लगता है कि आप ये वन ग्रेन और वन गैलन को याद करने से बेटर है कि आप फोर्टीन पॉइंट थ्री एम पर लीटर याद रखें कि अगर एक लीटर में फोर्टीन पॉइंट थ्री एम पर लीटर का सी ए सी किया जाएगा तो वन डिग्री हार्डनेस बन जाएगी ठीक है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पोटेशियम थायोसाइनेट इज यूज टू कलर बोथ द वाटर सैंपल एंड द स्टैंडर्ड सोल्यूशन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ आयरन मैंगनीज कैल्शियम कार्बोनेट या नन ऑफ दीज तो ये भी क्वेश्चन एच डी का ही है हरियाणा में पूछा हुआ इसका करेक्ट आंसर है आयरन तो जो पोटेशियम थायोसाइनेट होता है ये फेरिक आयन्स को एफ ई प्लस थ्री आपको पता होगा आयरन में दो आयन्स होते हैं एफ ई प्लस टू और एफ ई प्लस थ्री तो एफ ई प्लस टू को कहते हैं फेरस और ई प्लस थ्री को कहते हैं फेरिक तो ये जो पोटेशियम थायोसाइनेट है यानी कि के एस सी एन पोटेशियम के थायोसाइनेट बन गया एस सी एन नेगेटिव जो के पॉजिटिव एस सी एन नेगेटिव जो के एस सी एन जो है वो एफ ई प्लस थ्री की आ, को डिटेक्ट करता है ठीक है नेक्स्ट चलते हैं ई कॉली टेस्ट इज डन एट ए टेम्परेचर ऑफ सो ई कॉली टेस्ट बड़ा ही फेमस टेस्ट है दिस इज डन एट अ टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री 27 डिग्री 35 डिग्री या 37 डिग्री तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 37 डिग्री मैं पढ़ देता हूँ ये लाइन द टेम्परेचर मेंटेन्ड फॉर ई क्वाली टेस्ट इज अप्रॉक्सीमेटली सेम एज दैट ऑफ ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर तो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर क्या होता है 37 डिग्री सेल्सियस इसीलिए इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 37 डिग्री सेल्सियस आई होप आपको ये क्वेश्चंस आप रिवाइज कर रहे हैं और आ, क्योंकि ऐसा बहुत पॉसिबल है कि यही क्वेश्चंस आपसे दोबारा पूछ लिए जाए मतलब इनमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से प्रिपरेशन करनी है एन्वायरमेंट इंजीनियरिंग के ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको आई होप आपको ये यूजफुल uh, लग रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ केमिकली एल इज नोन एज एल्यूमिनियम सल्फेट एल्यूमिनियम नाइट्रेट कॉपर सल्फेट या सोडियम नाइट्रेट सो एल क्या होता है सो so, एल का जो फॉर्मूला है वो है ये al2so4 एल टू यानी कि एल इज एल्यूमिनियम सल्फेट सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए एल्यूमिनियम सल्फेट ठीक है तो आप इस वीडियो को बस जल्दी से देखते रहें मैं क्वेश्चन के आंसर जल्दी जल्दी बता रहा हूं ताकि कोई भी टाइम ना वेस्ट हो इसीलिए ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एच हरियाणा का है जो कि पब्लिक हेल्थ में पूछा गया था टू में द यूनिट इन विच बोथ सेडिमेंटेशन and digestion process of sludge take place simultaneously is skimming tank Imhoff tank detritus tank ya digestion tank to ek aisa sludge digestion ka process jisme ki sedimentation aur digestion dono hoti hai to aise unit ko kya kehte hain iska correct answer hai Imhoff tank ये बहुत easy question है but बहुत common question है बहुत सारे exams में JEE, एस सब में पूछा जाता है ये तो ये Imhoff tank टैंक है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं द थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन मोल पर लीटर ग्लूकोज सोल्यूशन इज सो हमें थॉड निकालना है थॉड मतलब थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड ग्लूकोज की तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है सी सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स एक अच्छा क्वेश्चन है पता होना चाहिए बेसिक फंडामेंटल अगर क्लियर है तभी आप कर पाएंगे so see, सो लेट्स सी कैसे इसको सॉल्व करना है देखिए ये हम जानते हैं कि ग्लूकोज की जब ऑक्सीडेशन होती है यानी कि ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट का अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखें तो वो ये बनेगी सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स प्लस सिक्स ओ टू गिव सिक्स सी ओ टू प्लस सिक्स एच टू ओ तो ये इसके बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है अब ग्लूकोज का अगर मैं मोलर वेट देखता हूँ वो कितना होता है वन एटी ग्राम्स ऑक्सीजन का क्योंकि मैंने सिक्स सी ओ टू कर लिया तो सिक्स इंटू थर्टी टू करूँगा क्योंकि सिंगल ओ का एटॉमिक वेट होता है सिक्सटीन तो ओ टू का वेट हो जाएगा थर्टी टू और क्योंकि ये सिक्स है तो सिक्स इंटू थर्टी टू करूंगा तो बन जाएगा वन नाइन्टी टू समझ रहे हो ना बात इसका मतलब एक मोल ग्लूकोज का वन नाइन्टी टू ग्राम्स लेगा तो वन मोल विल रिक्वायर वन नाइन्टी टू ग्राम्स इस पर क्वेश्चन में क्या है जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन मोल कितना लेता है तो जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन मोल का मतलब हुआ जीरो पॉइंट वन नाइन टू ग्राम्स सो जीरो पॉइंट वन नाइन टू ग्राम्स का मतलब हो गया वन नाइनटी टू तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। समझ गया ना बहुत ईजी है मोल ग्लूकोज का 192 लेता है ऑक्सीजन के तो so, इसका मतलब जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन मोल कितना लेगा जीरो पॉइंट वन नाइन टू ग्राम्स लेगा जीरो पॉइंट वन नाइन टू ग्राम्स का मतलब हुआ वन नाइनटी टू सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट 192 नाइंटी टू मिलीग्राम्स ठीक है द बेस्ट प्रोसेस ऑफ डिस ऑफ पब्लिक वाटर सप्लाई इज बाय एडिंग जोन बॉइलिंग क्लोरिनेशन या एडिंग लाइन तो ये भी एसडीयू का क्वेश्चन है पब्लिक हेल्थ 2015 में पूछा हुआ सो so, डिसइंफेक्शन कैसे होती है इसका करेक्ट आंसर है क्लोरिनेशन तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्लोरीन क्या है क्लोरीन इज इनवेरिएबली एंड यूनिवर्सली यूज फॉर डिसइनफेक्टिंग पब्लिक वाटर सप्लाईज इट इज चीप रिलायबल, ईजी टू हैंडल इजीली मेजरेबल एंड कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग रेजिडुअल डिसइनफेक्टिंग इफेक्ट्स फॉर लॉन्ग पीरियड्स दस प्रिवेंटिंग फ्यूचर कंटेमिनेशन इट्स ऑनली डिसएडवांटेजेज दैट वेन यूज इन ग्रेटर अमाउंट्स इट इम्पैक्ट्स बिटर एंड बैड टेस्ट टू वाटर तो ऐसा कई बार होता है कि जब ज्यादा क्लोरीन डल जाती है तो कभी कभी हमें घर पर जो पानी का टेस्ट आता है वो अच्छा नहीं आता गंदा टेस्ट आता है सो इन दैट केस्ट बस यही क्लोरीनेशन का डिसएडवांटेज है कि अगर वो ज़्यादा डल जाए तो उसका टेस्ट खराब हो जाता है बिटर टेस्ट हो जाता है इट इम्पैक्ट्स बैड टेस्ट टू वाटर अदरवाइज क्लोरीनेशन एक बहुत अच्छा और बेस्ट प्रोसेस है डिसइनफेक्शन करने के लिए फिर देखते हैं वाटर सप्लाई सिस्टम मीन्स सो so, ये हमारा अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किसका है आप डिपार्टमेंट देख रहे हो कौन सा है ये डेवलपमेंट एंड पंचायत तो ये एच का ही क्वेश्चन है डी डिपार्टमेंट में पूछा गया था पंचायत जिसकी अभी एग्जाम आ रहा है तो इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा एचपीएससी के द्वारा तो वाटर सप्लाई सिस्टम मीन्स द इंटायर स्कीम ऑफ कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ लिक्विड वेस्ट ना लिक्विड वेस्ट तो नहीं है तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया द कंप्लीट लेआउट फ्रॉम द सोर्स ऑफ सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट आंसर है कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजर्वाज कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनल गलत है सो ऑप्शन बॉम्बे ऑप्शन बी इज करेक्ट बहुत ईजी क्वेश्चन था ये. ये फिर से डेवलपमेंट for so, इन पंचायत डिपार्टमेंट का फॉर लार्ज सिटीज द सुटेबल मैथड फॉर फोरकास्टिंग पॉपुलेशन इज एरिथोमेटिक इंक्रीज मैथड ग्राफिकल मैथड जियोमेट्रिकल इंक्रीज मैथड कंपेरिटिव मैथड सो इनमें से सबसे बेस्ट मैथड कौन सा है फोरकास्ट करने के लिए पॉपुलेशन लार्जर सिटीज के लिए इसका करेक्ट आंसर है एरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। सो एरिथमेटिक इंक्रीज मेथड जो होता है दिस एज्यूम्स दैट द पॉपुलेशन इंक्रीजेज एट अ कॉन्स्टेंट रेट एंड इज सुटेबल फॉर ओल्डर एंड लार्ज सिटीज जो कि डेवलप्ड सिटीज हैं एट अ कॉन्स्टेंट रेट जोमेट्रिक प्रोग्रेशन मेथड इज सुटेबल फॉर न्यूअर और यंगर सिटीज एक्सपेंडिंग एट फास्टर रेट्स तो जो नई सिटीज़ हैं यंग सिटीज़ हैं जो कि जल्दी से एक्सपैंड कर रही हैं उनके लिए तो जोमेट्रिक प्रोग्रेशन मेथड लेते हैं और जो ओल्डर सिटीज़ हैं जो लार्ज सिटीज़ हैं ऑलरेडी जो डेवलप्ड सिटीज़ हैं उनके लिए तो एरिथोमेटिक मेथड को यूज़ किया जाता है फॉर फोरकास्टिंग पॉपुलेशन आई होप आपको ये समझ लग गया अगर फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपका रिप्लाई करूँ प्लस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है अगर आपको लगता है वीडियो इन्फॉर्मेटिव है और आपको बेनिफिट देगी तो इसको लाइक like जरूर करें शेयर भी कर सकते हैं और अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलना इस चैनल को चलिए एक और क्वेश्चन लूंगा रैपिड सैंड फिल्टर कैन रिमूव बैक्टीरियाज अप टू एन एक्सटेंट ऑफ सो रैपिड सैंड फिल्टर बैक्टीरिया को किस एक्सटेंट तक रिमूव करते हैं सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट सेवेंटी टू एटी परसेंट एट्टी टू नाइन्टी परसेंट या नाइन्टी टू नाइन्टी नाइन परसेंट तो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एटी टू नाइन्टी परसेंट सो देखिए रैपिड सैंड फिल्टर्स या रैपिड ग्रेविटी फिल्टर्स अगर मैं बोलूँ दे आर लेस एफिशियंट इन रिमूविंग बैक्टीरिया इनकी जो बैक्टीरियल एफिशियंसी है वो है एट्टी टू नाइन्टी परसेंट बट वेरी एफिशियंट इन रिमूविंग कलर सो जो रैपिड सैंड फिल्टर होते हैं ये कलर को रिमूव करना बहुत अच्छे से जानते हैं तो दे आर हाईली इफेक्टिव इन रिमूविंग रिमूविंग कलर्स वेयर हैज अगर मैं स्लो सैंड फिल्टर की बात करूंगा तो आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि अब जो क्वेश्चन आए पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो हो सकता है स्लो सैंड फिल्टर का आ जाए तो स्लोस एंड फिल्टर्स दे आर वेरी एफिशियंट इन रिमूविंग बैक्टीरिया मतलब नाइन्टी एट टू नाइन्टी नाइन परसेंट तक रिमूव कर देते हैं स्लो सैंड फिल्टर बट दे आर लेस एफिशियंट इन रिमूविंग कलर तो कलर नहीं रिमूव कर पाता है स्लोस एंड फिल्टर ठीक है तो ये बात आपको क्लियरली पता होनी चाहिए सो so, इसके साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको एन्वायरमेंट इंजीनियरिंग के क्वेश्चन कुछ करा चुका हूँ जिससे कि आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपके आने वाले पेपर में किस तरह से इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके अलावा मैंने कुछ और प्रीवियस वीडियोज़ में कुछ सब्जेक्ट्स के वीडियो ऑलरेडी डाले हैं जैसे कि एस स्टील जियोटे आर इनके वीडियोज़ में ऑलरेडी डाल चुका हूँ और मैं आने वाले दिनों में कुछ और सब्जेक्ट्स के भी वैसे वीडियोज़ बनाऊंगा तो अगर आपको अच्छा लगा इसको लाइक ज़रूर करिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें क्योंकि उस पर डेली आपको अपडेट्स कुछ ना कुछ मिलेंगी जो कि इस एग्जाम से रिलेटेड हैं प्लस अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हैं अगर आप सिंसियरली इसको प्रिपेयर करना चाहते हैं तो अपने ऊपर इन्वेस्ट करना मत भूलें आप हरियाणा का एचपीएससी स्मैश पैक परचेज कर सकते हैं जो कि आपको सी आई जेड प्लस डॉट कॉम पर मिल जाएगा और आप ये प्रोमो कोड यूज़ करिए एच डी ओ ट्वेंटी फाइव जिससे कि आपको ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ मिलेगा इसके अलावा अगर आप हमारा स्टडी मटेरियल चाहते हैं जिस जिसमें कि कस्टमाइज स्टडी बुकलेट्स आप लेना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं नाइन एट वन डबल फोर सेवन सिक्स ट्रिपल सेवन जिसमें कि आपको जिस सब्जेक्ट की बुकलेट सही है हम वही आपके पास डिलीवर कर देंगे सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट